हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को एक मॉडर्न डोरबेल बना के बताऊंगा, जिसको लगाने के बाद आपके घर जो भी या फिर जो भी कोई बेल बजाएगा और वो जो है ज़रूर आपसे पूछेगा, वाह क्या आपने बेल लगाई है। तो फ्रेंड्स, और ये भी बहुत लोग तो चौंक जाएंगे, कहीं गाड़ी आ गई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं, ये जो कार वगैरह में लगते हैं फ्रेंड, ये कार का बजर है, बैक गियर जो लगाते हैं तब ये बजता है, या फिर गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तब बजता है। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी स्विच। फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं, ये बेल स्विच है फ्रेंड्स, जो कि सबके घर में अक्सर लगी हुई होती हैं। एंड फ्रेंड्स, ये LED ड्राइवर जो कि हमें 220 वोल्ट से 12 वोल्ट देगा, क्योंकि ये बजर 12 वोल्ट का होता है और इसे हम डायरेक्टली 220 वोल्ट देंगे तो ये हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए मैंने यूज किया है एक ये LED ड्राइवर जो कि हमें 12 वोल्ट देगा। आप देख पा रहे हैं, ये इधर हमारा AC है फ्रेंड्स, ग्रीन वाले, और ये जो DC की तरफ, ये हमारा ब्लैक और रेड वाला। तो फ्रेंड्स, मैंने कनेक्शन के किस प्रकार किए, तो फ्रेंड्स मैंने न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है इस बजर में, एंड जो पॉजिटिव होता है तो फ्रेंड उसको मैंने स्विच से ले जाकर इसमें कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये बेल तो रेडीमेड आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंकर कंपनी की है फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह की। तो फ्रेंड, ये तो अक्सर सबके यहाँ देखने को मिल जाती है, पर फ्रेंड्स ऐसी डोर बेल आपको किसी के यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, फिर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस एडाप्टर की जगह पर एक ये 12 वोल्ट की DC बैटरी भी यूज़ कर सकता था, पर मैंने इसे यूज इसलिए नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि सबके यहाँ बैटरी अवेलेबल नहीं होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो ये जो एडाप्टर है फ्रेंड्स, इसे सभी लोग खरीद सकते हैं। ये LED ड्राइवर है फ्रेंड्स, इसे हमें ये 12 वोल्ट देता है, आप 12 वोल्ट का कोई सा भी ड्राइवर यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो इसे बस 12 वोल्ट चाहिए इसको। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे इसमें कनेक्ट करता हूँ, इस तरीके से मैंने लगा दिया है। आप इसका पूरा सही से प्लग वगैरह लगाए, मैं बस आपको टेस्ट करके दिखाने के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको लगाना है अच्छी तरीके, तो आप इसकी पूरी सेटिंग लगा करके करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे और टेस्ट करेंगे इसकी आवाज़। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको दबाते हैं स्विच को इस तरीके। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी आवाज़ ये दे रहा है फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, वापस से हम लगाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ आवाज़ है फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ आवाज़ है। इतनी तेज़ आवाज़ में फ्रेंड्स जो है बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, आप अपने घर में लगा लीजिए, चाहे जितने फ्लोर का आपका बिल्डिंग हो, आपको आराम से सुनाई दे देगी फ्रेंड्स की आवाज़। तो फ्रेंड्स, और ये एडाप्टर हमें 12 वोल्ट प्रोवाइड कराता है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, मैंने मल्टीमीटर को निगेटिव लगा दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो फ्रेंड, ये हमें 12.4647 ऐसे वोल्ट हमें प्रोवाइड करा रहा है, यानी फ्रेंड्स इतने वोल्टेज इसके लिए पर्याप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।